आर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं संजय चौहान, ज्योग्राफी नेट जीआरएफ क्वालिफाई। मैं आज आपको 12th क्लास के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ 12th क्लास के टॉपिक जो हमारे एग्जाम में अमूल्य वरदान के रूप में आते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन के दौरान आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट से कितने नंबर का उठेगा और उन क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है। यहां तक कि आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों से आ रहे हैं और आ चुके हैं, और यहां तक कि उन सारी प्रकार की अभिवर्तियों को भी बताएंगे जो विचारक देते हैं। आज हम टॉपिक लेते हैं 12th क्लास भूगोल का पहला जो टॉपिक है उसका नाम है मानव भूगोल और उनकी प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल उनकी प्रकृति व विषय क्षेत्र। मानव भूगोल और उनकी प्रकृति और उनके विषय क्षेत्र में हम सबसे पहले हम टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हम उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं मानव भूगोल, इसका क्या अर्थ है, तो हम पहले मानव भूगोल को लेते हैं। आपको मालूम ही है कि मानव भूगोल के बारे में अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग राय थी, लेकिन हम शुरुआत में इस टॉपिक का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें एक बिंदु पहले उठाएंगे कि इस पार्ट पूरी किताब के सारांश के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है। तो उस किताब के सारांश के अनुसार मानव भूगोल की जो परिभाषा बनती है वो होती है, मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया तथा राजनीतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। आप जब इस परिभाषा को गौर से आप अध्ययन करोगे तो उसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ आपके इस विषय के अनुसार इसकी लैंग्वेज बनाई हुई। इस पर तीन सब बहुत ही अमूल्य हैं, उनमें है एक आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और तीसरा है राजनीतिक प्रवृत्तियां। यदि ये तीन तत्व आप ध्यान रखोगे तो ये मानव भूगोल के संबंधित जो आपकी आपकी परिभाषा होनी चाहिए वो परिभाषा अपना आप ही याद हो जाएगी। आपके मूल तत्व कौन से है, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और राजनीति। अब आपको मालूम ही है कि मानव भूगोल की जो विचारधारा अलग अलग विचारधाराओं को द्वारा दी गई है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के जनक, जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक के नाम से जाने जाते हैं। और आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक रहे हैं उनका नाम था फ्रेडरिक रेटजर। कौन रहे थे, फ्रेडरिक रेटजर। यह व्यक्ति जर्मन निवासी था, उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। उनकी पुस्तक का क्या नाम था, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने इस बात का अनुवाद किया था कि मानव भूगोल किसे कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने मानव भूगोल के बारे में अध्ययन किया और उन्हीं पुस्तक के अनुसार उन्होंने अपनी विचारधारा दी थी कि मानव भूगोल क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि आधुनिक मानव भूगोल के विचारक
आधुनिक मानव भूगोल के जो विचारक हैं, उनमें से सबसे पहला विचारक का नाम आता है रेड जेल का। सबसे पहले विचारक कौन है? रेड जेल। और उन्होंने अपने मानव भूगोल के संबंध उन्होंने लिखा था कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातलों के बीच संश्लेषित अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव। तो याद रख लेना है रेड जेल की परिभाषा क्या हुई? मानव भूगोल मानव समाजों को क्या हुई? मानव समाजों और धरातल के बीच। हमें दो टॉपिक है इसमें, एक है मानव समाज और एक है धरातल। इन दोनों के बीच, किनके बीच? मानव समाज और धरातलों के बीच किसका अध्ययन किया जा रहा है? मानव भूगोल का। उसी को हमने क्या कहा गया? मानव भूगोल। फिर दूसरे आए, उनका नाम है एलएनसी सैंपल। ये ब्रिटेन की निवासी थी जिन्होंने मानव भूगोल पे अंदर कहा था कि मानव भूगोल चंचल मानव व क्रियाशील पृथ्वी के बीच परस्पर परिवर्तनशील अध्ययन को मानव भूगोल कहा। तो सैंपल ने क्या कहा? दो चीज ने भी बताई है। पहली चीज का मतलब बताया उन्होंने चंचल मानव। चंचल मानव का मतलब यह होता है कि मानव कभी स्थिर नहीं रहता है, कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। फिर बाद में क्रियाशील पृथ्वी। क्रियाशील पृथ्वी का मतलब यही होता है कि भौगोलिक वातावरण है, समय के साथ कोई ना कोई परिवर्तन करेगा। तो उन दोनों परिवर्तनों के बीच में जो परिवर्तनशीलता आई है उसी को उन्होंने क्या कहा? मानव भूगोल। फिर तीसरा है पोल विडाल दी ब्लास। कौन है? पोल विडाल दी ब्लास। ये फ्रांस के विचारक थे। उन्होंने क्या कहा है? मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियमों करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के अधिक संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहा। देखो पोल विडाल दी ब्लास जो फ्रांस के निवासी थे, उन्होंने दो चीज बताई है। पहली चीज है भौतिक नियम, जो हमें हर चीज को हमारे यहां कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ भी घूमेगी। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी याद कर लो, उसमें कोई प्रकार का हम उस पर परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो हो गया भौतिक नियम। फिर बाद में निवास करने वाले जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी प्राणी कोई भी हो, वो सभी के अपने बीच में उन नियमों का पालन करके किस तरह निर्वाह करते हैं उसका अध्ययन ही किया जाता है मानव भूगोल। और अंतिम जो विचारक हैं उनका नाम है डिकेन एंड पीट।
पीस, डिकेन एंड पीस। डिकेन और पीस ने सिंपल भाषा में मानव भूगोल की परिभाषा बताई है कि मानव भूगोल मानव व उनके कार्यों का अध्ययन करना है। सीधी सी बात क्या कही उन्होंने, इसने भी दो चीज बताई है, मानव और उनके कार्य, उन दोनों के बीच में जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, मानव। तो ये हुई मानव भूगोल, मानव भूगोल के जनक और मानव भूगोल के संबंधित पुस्तक और मानव भूगोल के विचारक, जिनमें से सबसे पहले थे रेटजेल, जिन्होंने मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंध अध्ययन का परिभाषा दी। फिर थे एलन सी सैंपल, जिन्होंने मानव भूगोल, चंचल मानव और क्रियाशील पृथ्वी के बीच परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। और तीसरा था पॉल विडाल, जो फ्रांस के थे, उन्होंने मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहा था। और चौथा है डिकेन और पीस, जिन्होंने मानव और उनके कार्यों के अध्ययन के बारे में बताया। अब हम अगला टॉपिक जो लेते हैं वो है मानव भूगोल की संकल्पनाएं। देखो, मानव भूगोल की संकल्पना को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन। पहली संकल्पना का नाम है प्रकृतिवाद विचारधारा, इसी को हम नियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं। दूसरी विचारधारा है संभववाद, विचारधारा इसी का दूसरा नाम है फ्रांसीसी विचारधारा। तीसरी नवनियतिवाद, विचारधारा या नवनिश्चयवाद, विचारधारा या रुको जाओ निश्चयवाद विचारधारा। कहने की बात यही है कि विचारधारा तो मुख्य रूप से तीन है, लेकिन एक ही विचारधारा को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्रकृतिवाद विचारधारा या नियतिवाद विचारधारा या निश्चयवाद विचारधारा, तीनों एक ही होती हैं, लेकिन अलग अलग राजधारा या अलग अलग विचारधाराओं ने अलग अलग नामों से उन्होंने पहचाना है। पहले हम लेते हैं प्रकृतिवाद विचारधारा। अब प्रकृतिवाद विचारधारा में आपको एक बात याद रख लेनी है कि प्रकृतिवाद विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें मानवीय शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति अधिक प्रबल होती है। कौन शक्ति अधिक प्रबल होती है? मानवीय शक्ति अधिक प्रबल होती है। सॉरी, प्रकृतिवाद विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय शक्ति की अपेक्षा प्रकृति अधिक प्रबल होती है। जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, ऐसी विचारधारा जिसमें मानव या मानवीय शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक
शक्ति का अधिक प्रबल होना, यह क्या कहलाती है? प्रकृतिवाद विचारधारा, नियतिवाद विचारधारा या नीतिवाद विचारधारा, ये सभी विचारधारा एक ही हैं। इसके जो विचारक रहे थे उनका नाम था एलन सी सैंपल, ये इनकी मुख्य विचारधारक थी। फिर बाद में संभववाद, देखो संभववाद इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है। जस्ट क्या होती है? ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट का मतलब है इसमें हमने किसको ज्यादा प्रबल माना है? मानव की तुलना में किसे माना है? प्रकृति को। और इसके अंदर ऑपोजिट क्या होगा? मानव। क्या होगा? मानव। तो इसमें हम देखते हैं ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति की तुलना में मानवीय शक्ति का अधिक प्रबल होना, यह विचारधारा होगी संभववाद। देखो इसमें कौन ज्यादा शक्तिशाली थी? प्राकृतिक शक्ति। और इसमें कौन शक्तिशाली है? मानवीय शक्ति। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें प्रकृति ज्यादा ताकतवर होती है और इसमें मानव ज्यादा ताकतवर होता है। और इस विचारधारा को देने वाले जो विचारक थे उनका नाम था ओल विडाल डी ब्लास, इन्होंने यह विचारधारा दी थी। फिर तीसरी विचारधारा है नव नियतिवाद विचारधारा को या नव नीचेवाद विचारधारा को या रुको जाओ नीचेवाद विचारधारा। देखो ये विचारधारा एक बात सीधे से दिमाग में बिठा लेनी है कि इन दोनों जो विचारधारा, इन दोनों मतलब है प्रकृतिवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा, इन दोनों के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? नियतिवाद विचारधारा या नव नियतिवाद विचारधारा। एक बात मैं उदाहरण के रूप में बता देता हूं, जब कभी आप शॉपिंग करने जाते हो तो उसमें आप जब एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला जब दो व्यक्तियों के बीच में जब बहस होती है तो उसमें एक ही टारगेट होता है कि इन दोनों के बीच का मुद्दे को उठाया जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में एक कपड़े का कीमत 100 रुपए दुकानदार कहता है और खरीदने वाला 90 रुपए कहता है तो उसी बीच की कड़ी को अपनाया जाता है कि 95 रुपए ले लो। तो उसी प्रकार एक विचारधारा कौन मानता है? प्रकृतिवाद। और एक विचारधारा कौन मानता है? संभववाद। तो उसमें से कुछ विचारधारकों ने माना कि ना प्रकृतिवाद मानो पूरा ना संभववाद, बीच वाली बात मान। तो इसकी विचारधारा की परिभाषा हुई ऐसी विचारधारा जिसमें संभववाद तथा नियतिवाद के बीच की अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। यह हो गई हमारी नियतिवाद। अब नियतिवाद के विचारक कौन है? उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे जिन्होंने नियतिवाद विचारधारा दी थी। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो मानव भूगोल की प्रकृति है। देखो मानव भूगोल की प्रकृति के ऊपर एक विचारक आए थे, उसका नाम था ब्रूम्स। उन्होंने हर विषय की हर प्रकृति के बारे में बताया। जैसे उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल में के अंदर एक प्रकृति हर विषय के लिए अलग अलग होती है। जैसे उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल में मानव भूगोल में अध्ययन करने पर सभी की प्रकृति विषय के अनुसार
अलग अलग होती है। जैसे उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र का संबंध किसके साथ बताया था, कीमतों से। किसके साथ बताया था, अर्थशास्त्र का संबंध हमेशा किससे होता है, कीमतों से। फिर भूशास्त्र का संबंध हमेशा किससे होता है, चट्टानों से। वनस्पति शास्त्र का संबंध हमेशा फलों से, फूलों से, वनस्पति से, इनसे होता है। मानववादी विचार विज्ञान, मानववादी विज्ञान का संबंध किससे होता है, जातियों से, तथा इतिहास का संबंध हमेशा किससे होता है, समय से। उसी प्रकार भूगोल का जो संबंध होता है वो हमेशा किससे होता है, स्थान से। इसलिए भूगोल के अंदर, भूगोल का जो केंद्र बिंदु माना गया है वो स्थान है, और जिस पर कहां व क्यों जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वापस एक बात देख लेना है कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर एक विचारक थे, उनका नाम था कौन, ब्रूम्स, जिन्होंने हर विषय के ऊपर, उन्होंने प्रकृति विषय के अनुसार उन्होंने अपनी अवधारणा में अलग अलग प्रवृत्तियां बताई, जिसमें उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र का संबंध हमसे किससे होता है, कीमतों से। भूशास्त्र का संबंध हमसे किससे होता है, चट्टानों से। वनस्पति शास्त्र का संबंध हमसे किससे होता है, फल और फूल और वनस्पति से। मानवतावादी विज्ञान का संबंध किससे होता है, जातियों से। और इतिहास का संबंध हमेशा किससे होता है, समय से। और भूगोल का संबंध हमेशा किससे होता है, स्थान। इसलिए भूगोल का केंद्र बिंदु हमेशा स्थान को माना गया है, जहां पर हमेशा कौन से प्रश्न उठते हैं, कहां और क्यों। इस प्रकार उन्होंने बूस ने मानव भूगोल की प्रकृति बताई। फिर उन्होंने मानव भूगोल की प्रकृति को दो भागों में विभाजित किया। पहला था मानव का प्राकृतिकरण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। अब जब इस टॉपिक के लेसन को आप समझोगे तो इसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति मिलेगी। मानव का प्राकृतिकरण के अंदर सीधी सी बात याद रखना है कि मनुष्य किसके अनुसार अनुसरण या किसके अनुसार क्रिया कर रहा है, प्रकृति के अनुसार। मनुष्य हमेशा किसके अनुसार क्रिया कर रहा है, प्रकृति के अनुसार। तो होता है मानव का प्राकृतिकरण, तो मानव द्वारा प्रकृति के अनुसार क्रिया करना क्या कहलाता है, मानव का प्राकृतिकरण। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, तो सीधा है प्रकृति को मनुष्य अपनी तकनीकी के आधार पर उनका रूप परिवर्तन करके अपने अनुसार ढाल लेता है। अब देखो एक बात को सीधे भाषा में समझाता हूं,
कि मानव का प्राकृतिकरण में मानव प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको उदाहरण में समझा रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण है कि आज भी हम कितने भी पढ़ लिख चुके हैं फिर भी हम अपने देवी देवता को आराधना करना अभी तक नहीं भूले, हम उसको अपनाए हुए हैं। तो मनुष्य कितना भी पढ़ ले, कितना भी शिक्षित हो जाए, हमारी जो प्राकृतिक क्रिया है उनको हम नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब है वो मानव तो अभी तक क्या हो रहा है, प्राकृतिक, मतलब मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही चल रहा है। दूसरा प्रकृति का मानगर, मतलब आज हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बढ़ चुकी है कि हमने बहुत सारे ऐसे भौतिक कारक थे उनके अंदर क्या कर दिया, परिवर्तन। जैसे पहाड़ों को काट कर सुरंगों से माध्यम से वाहन चला दी, जैसे डीएनए की खोज से हमने बीमारियों पर विजय पा ली, जैसे घर्षण बल के खोज से हमने आग बना दी, ये सब क्या है, प्रकृति का मानगर। मतलब हमने प्रकृति को ही हमने तकनीकी माध्यम से क्या कर दिया है। तो ये हुआ मानव गोल की प्रकृति। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र हैं वो छह है। देखो मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र है उसका पहला विशेष क्षेत्र क्या है, जनसंख्या व उनकी क्षमता। दूसरा प्रादेशिक व प्राकृतिक संसाधन। तीसरा सांस्कृतिक वातावरण। चौथा कालिक अनुक्रमण या अनुक्रम लिख सकते हैं आप। पांचवा समायोजन व प्रादेशिक संगठन और छठा दूसरे प्रदेशों से संबंध। तो इसमें कितने हुए विषय क्षेत्र, छह। पहला कौन सा है, जनसंख्या उनकी क्षमता। दूसरा प्रादेशिक और प्राकृतिक संसाधन। तीसरा सांस्कृतिक वातावरण। चौथा कालिक अनुक्रमण। पांचवा समायोजन और प्रादेशिक संगठन। और छठा है दूसरे प्रदेशों से संबंध। अब देखो इसका थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या और उनकी क्षमता। देखो जनसंख्या और उनकी क्षमता के अंदर उन क्षेत्र की पाई जाने वाली जनसंख्या का वितरण, घनत्व, धर्म, जाति, लिंग, लिंगानुपात, इन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं उस विशेष क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जनसंख्या और उनकी क्षमता। वापस कान अपने कान के विचारधारा के अनुसार सुन लेना कि जनसंख्या वितरण, घनत्व, धर्म, जाति और लिंगानुपात के अनुसार इसमें अध्ययन होता है। फिर है प्राकृतिक प्रदेश और संसाधन। प्राकृतिक प्रदेश उनके संसाधन में प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व में जैसे पहाड़, मैदान, नदी, गाड़ियां, ये सभी तत्वों का क्या कहलाता है अध्ययन। क्योंकि आपको मालूम ही है प्रत्येक प्रदेश के अंदर प्राकृतिक संसाधन एक समान नहीं होते हैं, इस कारण से प्रत्येक प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों की भिन्नता इसमें देखने को मिलती है। फिर है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण के अंदर इसमें वहां पर पाई जाने वाली जीवों व मानव, जीवों व मानव के द्वारा वातावरण अनुकूलन जीविका के साधन
सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है सांस्कृतिक वातावरण के अंदर जीवों व मानवों के द्वारा वातावरण अनुकूलन जीविका के साधन आवास और परिवहन इन सारे तत्वों का क्या होता है अध्ययन। फिर है कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण में सीधे से याद रख लेना है कालिक का मतलब होता है समय, कालिक का क्या होता है समय, अनुकरण मतलब या उनके अनुसार क्रिया करना या उनके अनुसार बदलता रहना। और आपको मालूम ही है मनुष्य भी आपको पता है परिवर्तनशील होता है और प्रकृति भी क्या होती है परिवर्तनशील होती है। तो मनुष्य और प्रकृति कभी भी स्थिर नहीं है, वो क्या करती है अनुक्रियाएं करती है। तो इसमें लिखा रहता है कि मानव व प्रकृति स्थिर ना होकर क्रियाशील रूप में पाई जाती है। और जब मानव और प्रकृति दोनों ही क्रियाशील रूप में पाई जाती है तो उसमें हमेशा उत्तरोत्तर मतलब हमेशा ऊपर की तरफ भी विकास होता है, कभी नीचे की तरफ विकास नहीं होगा। और जब ऊपर की तरफ विकास होगा तो वो विकास कैसा होगा लोचपूर्ण होगा, कैसा होगा लोचपूर्ण होगा। फिर अगला है समायोजन और प्राकृतिक संगठन। समायोजन और प्राकृतिक संगठन, अब देखो समायोजन का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में आपस में तालमेल का होना, वो होता है समायोजन। और वो भी किसमें करना है प्राकृतिक संगठन। इसका मतलब है कि मानव और प्रकृति के बीच में यदि समायोजन होगा तो विकास होगा, यदि समायोजन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जब किसी प्राकृतिक कारकों के ऊपर जब तकनीक का प्रयोग यदि प्रकृति के अनुसार ही किया जाए तो उससे प्रकृति का विकास होगा, और यदि प्रकृति से ज्यादा किया जाए तो उस प्रकृति का विनाश होगा, उसमें प्रदूषण होगा और उसके अंदर नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसमें वापस देखो कि समायोजन और प्राकृतिक संगठन में प्रकृति व मानव के बीच तकनीकी का समायोजन के रूप में विकास किया जाए तो प्रकृति व मानव दोनों का विकास होगा। यदि प्रकृति पर अधिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने पर उसका विकास रुक जाएगा और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। अब अंतिम जो किसी क्षेत्र है दूसरे प्रदेशों से संबंध, इसमें दूसरे प्रदेशों से संबंध किसी क्षेत्र विशेष के निर्णय लेकर किसी विशेष तत्व के रूप में माना गया है। जैसे दूसरे क्षेत्र के प्रदेशों में संबंध में जैसे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्रियाओं से संबंध है, एक बार फिर से मैं वापस से बता देता हूं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र 6 है, जनसंख्या उनकी क्षमता जिसमें उनकी जनसंख्या वितरण घनत्व धर्म और जाति का अध्ययन होता है, फिर प्राकृतिक प्रदेश और उनके संसाधन में प्राकृतिक तत्व तो पहाड़ मैदान नदी घाटी जिनका अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक वातावरण में जीवों और मानव द्वारा वातावरण अनुकूलन जीविका के साधन और आवास और परिवहन का अध्ययन होता है, और कालिक अनुक्रमण में मानव और प्रकृति स्थिर न होकर क्रियाशील रूप में पाई जाती है। समायोजन प्राकृतिक संगठन, यदि हम तकनीक और प्रकृति के समायोजन में कहेंगे तो विकास होगा अन्यथा उनका प्रदूषण या नुकसान देखने को मिलेगा। और छठा दूसरे प्रदेश से संबंध, इसमें आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्रियाओं का संबंध
देखने को मिलता है। और एक टॉपिक और है बचा हुआ, अंतिम टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे मानव विकास, मानव भूगोल के विकास क्रम। देखो मानव भूगोल के विकास क्रम यदि युगों के आधार पर पढ़ते हैं तो इसमें तीन रूपों में देखने को मिलेगा। कितने रूपों मिलेगा? तीन रूपों। पहला युग है प्राचीन काल, दूसरा युग है मध्य काल, तीसरा युग है आधुनिक काल। अब देखो सबसे पहला पॉइंट यही है, प्राचीन काल के अंदर प्राचीन पर्वतों का अध्ययन किया जाता था। इसका मतलब यह है कि उस समय मनुष्य की अनोक्रियाएं, मतलब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता था, इसलिए उनको ज्यादा तकनीकी का ज्ञान नहीं था, जो प्रकृति थी उसी के बारे में उनको नॉलेज था। तो उसी के अनुसार उन्होंने कुछ विचार लाए थे, जैसे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्राचीन काल में भारत, रोम, यूनान, मिस्र, ये सारे के सारे जो हैं वो प्राकृतिक विचारधारा के थे, जिन्होंने अग्नि, वर्षा, जल, सूर्य इन सबको क्या मानते? देवता मानते। याद रखना प्राचीन काल के अंदर जो भारत, रोम, यूनान और मिस्र जैसे देश थे, उन्होंने प्राकृतिक जो तत्व थे उनको हमेशा देवता के रूप में उसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। फिर आपको पता ही है एक विचार आया था थेल्स और एनैक्सिमेंटस, थेल्स और एनैक्सिमेंटस ने हमेशा उन्होंने कहा था कि जलवायु व वनस्पति पर अध्ययन करते हुए उन्होंने बताया, उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? जलवायु और वनस्पति पर अध्ययन करते हुए बताया कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु होगी उस क्षेत्र में उसी प्रकार की वनस्पति उगती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि जम्मू कश्मीर में जलवायु ठंडी है तो सेम ही उगेगी वहां पर बबूल के पेड़ नहीं उगेंगे, और राजस्थान की जलवायु गर्म है तो यह बबूल के पेड़ ही उगेंगे, या सेम के पेड़ पैदा नहीं किए जाते। इसका सीधा सा कारण है वहां की जलवायु। अब अगला है, फिर बाद में आए थे हमारे जो विचारक है हेरोडोटस, सॉरी हम्बोल्ट। अगले विचार थे हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने यह कहा था कि वहां पर उन क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्रों के अंदर जो घूमड़कर जाति होती है या किसान होता है उनके ऊपर भी हमेशा प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गर्म प्रदेशों के अंदर लोग जो पशुचारण करेंगे और ठंडे प्रदेशों के लोग भी पशुचारण करेंगे, लेकिन जलवायु उत्तर क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे? खेती करेंगे। फिर बाद में अपन के इतिहास के साथ साथ हमने एक और विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है अपन के ब्रिटेन के हैं सैंपल हेकेटियस। हेकेटियस ने भौतिक कारकों को व्यवस्थित अध्ययन करने के कारण इनको भौतिक भूगोल के जनक कहते हैं। और विचारक आए थे अरस्तु। अरस्तु का कहना है कि हमेशा जलवायु का जो प्रभाव है व्यक्ति के शरीर उनकी क्रियाओं पर पड़ता है। क्या कहते हैं? कि जलवायु का जो प्रभाव है हमेशा व्यक्ति की क्रियाओं उनके शरीर पर पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा था कि ठंडे प्रदेश के लोग
बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतनशील कम पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि ठंडे प्रदेश के लोग बहादुर तो होते हैं, लेकिन भी सोचने की जो क्षमता है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। दूसरी उन्होंने ये बात कही थी, गर्म प्रदेश के लोग सुस्त होते हैं। कैसे होते हैं? सुस्त मतलब थकान महसूस करने वाले जो आलसी लोग होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन उनकी चिंतनशीलता क्या होती, अधिक होती है। फिर अगला काल आता है अपन का मध्य काल। कौन सा आता है? मध्य काल। मध्य काल के अंदर आपको पता ही है, जैसे ही मध्य काल आया कि तकनीकी का विकास हो गया। किसका विकास हो गया? तकनीकी का। तो मध्य काल के अंदर अपने नौ संचालन का विकास, अन्वेषणों वो तकनीकी दक्षता में वृद्धि होने के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने लगे, जिससे विश्व के रहस्य खुलने लगे। कहने का मतलब यही है कि मध्य काल के अंदर जब नौ संचालन हुआ तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, और उन्हें जो भावनाएं थी, लोग कहते थे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, जो भी जैसे था वो सारा सारा क्या हो गया, खुल गया। फिर आते हैं उनका आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर मुख्य रूप से तीन विचारधाराओं का बोलबाला रहा। पहला जर्मन विचार, दूसरा फ्रांसीसी विचारक, तीसरा ब्रिटेन विचारक। जर्मन विचारक में रेडजेल, हम्बोल्ट और रिटर। फिर फ्रांसीसी विचारधारा में फ्रेबे, पोल, विडाल, दिप्लास और ब्रुंस। ब्रिटेन में हंटिंगटन, एल एंड सैंपल, ये प्रमुख विचारक आए, और उन प्रमुख विचारकों ने अलग अलग क्षेत्र के अंदर आए और अलग अलग संकल्पनाएं बनाई, और उन संकल्पना में सबसे पहली संकल्पना आई थी नियतिवाद, दूसरी संभववाद और तीसरी नवनिश्चयवाद। इन तीन विचारधाराओं और संकल्पना का उदय हुआ, और इन तीन संकल्पनाओं के साथ साथ एक और विचारधारा बनी, उनका नाम था मानवतावादी और दूसरी थी आमूलवादी। मानवतावादी के अंदर मानवीय आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, और आमूलवादी में पूंजीवादी प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। यदि आमूलवादी विचारधारा रेडिकल विचारधारा दोनों एक ही है, जो जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि गरीबी के कारण लोगों के साथ असमानता का जो व्यवहार किया जाता है, उसी विचारधारा को क्या कहा जाता है, आमूलवादी विचारधारा।
वापस लेना कि गरीबी के कारण लोगों के साथ जो असमानता का व्यवहार होता है वो क्या कहलाती है, आमूलवादी विचार। अब एक और टॉपिक बचा, उसका नाम है हंटिंगटन के अनुसार भूगोल का विभाजन। मानव भूगोल का विभाजन उसने दो प्रकार के विभाजन किया था, भौतिक क्रियाएं और मानवीय क्रियाएं। इस तरह उन्होंने दो भागों में मानव भूगोल का विभाजन किया। अब एक ही बात, हमें छोटी सी बात और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन उठता ही रहता है। एक नंबर का क्वेश्चन का ये चैप्टर है जिसमें 2019 के अंदर आया था, नव नियतिवाद विचारधारा के विचारक कौन है या नव नियतिवाद विचारधारा किसे कहते हैं। फिर 2018 के अंदर आया था कि मानव भूगोल से संबंधित एंथ्रोपो ज्योग्राफी पुस्तक किसकी थी, ये था 2018 के अंदर। और नव नियतिवाद जो विचारधारा थी वो थी 2019 के अंदर, 2019 के अंदर ये सवाल आया था। तो आज हम इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। कल अगला जो चैप्टर है हमारे जनजाति से संबंधित, जो विश्व और भारत की जनजातियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।